28 बटालियन सीआरपीएफ के द्वारा ये हब्बा गदर करालकुद एरिया में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि सीआरपीएफ यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए है, फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस एंड हमें जो है ये एक ह्यूमन वैल्यू को भी देखना है कि हम यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अमिट कोविड हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसीलिए यहाँ पर आज मेडिकल कैंप का आयोजन जो है किया गया है, जिसमें यहाँ फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। यहाँ डॉक्टरों के द्वारा उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनका चेकअप किया जा रहा है, उनको मेडिसिन दी जा रही है और अपार्ट फ्रॉम दैट उनको एक कोविड किट भी दिया जा रहा है, जिसमें N95 मास्क है, नैपकिन्स हैं, सोप्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं। मेडिसिन जो है जो नॉर्मल जो बीमारी में काम आते हैं, हाइपरटेंशन हैं, डायबिटीज़ हैं और भी जो कई तरह की चीज़ें हैं उसमें यहाँ पर है। डॉक्टर साहब यहाँ प्रॉपर उसको चेकअप कर रहे हैं और हमने यहाँ पर ECG फैसिलिटीज़ भी रखी है। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो उसकी ECG फैसिलिटीज़ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, उसका ECG भी कर सकते हैं। जैसा कि और आज का यूथ ही जो है हमारे लिए सब कुछ है, और यूथ ठीक है तो हम ठीक हैं, हमारा देश ठीक है, तो हम ज़रूर उसके लिए कैसा ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि वो ड्रग्स से दूर जाए और मेन स्ट्रीम में शामिल हो। मेडिकल कैंप पे है, बट आपने पूछा है तो ज़रूर हमें सपोर्ट्स मिल रहे हैं और लोग धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहे हैं, और जो भी CRPF के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही है उसको वो अडॉप्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आए। तो अच्छा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स इज़ वेरी ओवरवेलमिंग और लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा आज तीसरा कैंप है, इससे पहले हमने बटमालू में कैंप लगाया, उसके बाद हमने जखूरा में कैंप लगाया, गुलाबबाग एरिया में, और आज हम यहाँ लगाया, और हम इसके अलावा और भी हम कैंप लगाएंगे।